समझते हैं 11 नंबर, मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे एक करता हूँ टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू में टेन एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, टेन स्क्वायर को सेक में बदल दो, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में टेन एक्स बी, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ आ जाएगा सेक का पावर फोर एक्स माइनस का टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वन इंटू में टेन एक्स डी एक्स। चलिए आगे देखो, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर फोर एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स, अलग अलग कर रहा हूँ ठीक है, माइनस का टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स ठीक है। अब यहाँ पे अभी थोड़ा सेट कर लो, उसके बाद देखा जाता है ठीक है। मैं यहाँ सेक क्यूब एक्स इंटू में सेक एक्स टेन एक्स कर देता हूँ ठीक है ना, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे, माइनस टू यहाँ पे भी सेक एक्स इंटू में सेक एक्स टेन एक्स कर देता हूँ और प्लस में देखो एक्चुअल में इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका होता है लॉग सेक एक्स, तो मैं इसे सीधे फॉर्मूला ही रख लेता हूँ, इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं है ना इसे, समझ रहे ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन मैं कर देता हूँ या लास्ट में कर दूंगा या पहले भी कर सकता हूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला ही है, इसको मैं अगले एक्सरसाइज में भी प्रूफ कराने वाला हूँ ठीक है। अब यहाँ देखो पुट करो सेक एक्स को टी, बाकी सब जगह के लिए, यहाँ के लिए, वहां के लिए नहीं बात करो, इधर के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए अब देखो यहाँ टी क्यूब डी टी माइनस टू टी, यह डी टी हो जाएगा और प्लस लॉग सेक एक्स प्लस, चलिए देखिए इसका रूल क्या है, पावर में एक जोड़ दो, पावर को नीचे उतार दो, पावर में एक जोड़ दो तो टू हो जाएगा और टू नीचे आ जाएगा प्लस लॉग सेक एक्स प्लस, ये टू से टू कट जाएगा, यहाँ पे टी की जगह सेक रखना ना, सेक रख दो वापस, तो सेक का पावर फोर एक्स बटा फोर माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस में लॉग सेक एक्स प्लस में सी, आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए अगला